तो गाइस आज जो बारिश है वो पूरी रात से हो रखी है, पर लेकिन सर्दी नहीं हो रखी, मगर सर्दी ये लग रहा है कि खत्म ही होगी भाई, गर्मी आ गई है बस लग रहा है ऐसा। और धूप अभी निकल चुकी है। तो गाइस आज है ना निकलते हैं ऑफिस पे, पर आज ऑफिस चेंज करना है गाइस मैंने, क्योंकि अभी एक है ना मैंने नया ऑफिस देखा है, तो अभी मैंने ऑफिस को शिफ्ट करना है। तो गाइस हवा चल रही है बहुत, मुझे हवा चल रही ना ठंडी नहीं लग रही है, ऐसा अच्छी लग रही है, मतलब बढ़िया हवा चल रही है भाई। देखो पेड़ पत्ते हिल रहे होंगे, बढ़िया हवा चल रही है भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब आज ये ऐसा मौसम है, सुहाना मौसम है, गोवा वाला मौसम हो रखा है आज, ना सर्दी ना गर्मी। तो गाइस थोड़ा सा बारिश होता ही पानी भर जाता है, और ये जो प्लॉट है देख रहे हैं ना आप, इतना पानी भर जाता है गाइस इसके अंदर, मतलब काफ़ी बार यहाँ से पानी निकाल चुके हैं फिर भी भर जाता है। तो गाइस ये है मेरा नया ऑफिस जो कि अभी हाल ही में लिया है, तो अभी थोड़ी सी इसकी साफ सफाई कर लेते हैं गाइस। तो ये मोहित सर का ऑफिस है, घर है यहाँ पे। तो अभी यहीं पे मैंने फर्स्ट फ्लोर पे ऑफिस लिया गाइस जी। वैसे तो फर्श से 8 फीट के हाइट पे है ये मेरा ऑफिस, और यहाँ से रोड बिल्कुल पास में, बिल्कुल पास में ही, मतलब ये एक ही घर बीच में बस। तो ऊपर का सारा कमर्शियल है गाइस, ये पूरा बड़ा हॉल है, अगर किसी को भी चाहिए रेंट पे तो कमेंट करके बता देना भाई। तो गाइस एक ये कमर्शियल के लिए मोहित भाई ने बनाया है ऊपर का सारा, और ये एक हॉल है पूरा। देखो गाइस ये पूरा हॉल है, टीचिंग के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको, कोई भी सेंटर खोल सकते हैं और लाइब्रेरी खोल सकते हैं, जो भी आपको खोलना है वो खोल सकते हैं आप। और यहाँ पे स्टाफ खाना भी खा सकता है, या फिर किचन है एक, और एक अगर फैमिली है तो फैमिली रह भी सकती है। ये एक रूम है, लैट्रिन बाथरूम है और किचन है गाइस। तो बढ़िया है, पूरा सेट बढ़िया बना रखा है, तो मुझे तो लगा ठीक भाई जब तक नहीं चलेगा तो अपन इसको यूज़ करेंगे। नहीं भाई यहाँ पर मीटिंग चलेंगे। तो गाइस बाहर से लुक कैसा आता है कुछ ऑफिस का, तो मेन रोड है ना जो उसी के पास में ही है बिल्कुल। आज है ना वैसे थोड़ी तबीयत ख़राब लग रही है मुझे, अभी मोहित भाई से मतलब दवाई भी ली थी मैंने, मैं पैरासीटामोल दवाई ले गए, तो दिल कर रहा थोड़ा रिलैक्स कर दूँ, क्योंकि अभी एक क्लाइंट आए थे तो अभी मीटिंग वीटिंग करके भाई उनको नक्शा वक्शा पास करा के अब थोड़ा सा माइंड में गोदरेशन कम हुई है। तब तक वो बताने यार क्लाइंट को सर्विस ना दे देना भाई, क्या भाई वो खुश तो हम खुश यार। जब नक्शे पास हो गए ना, हाँ भाई नक्शे समझ में आ चुके हैं क्लाइंट को, फिर मज़ा आता है उन्होंने कहा हाँ भाई आप ठीक है, क्योंकि तब तक तो हमारा फोकस रहेगा कि उसको बेस्ट से बेस्ट करें अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग अगर अच्छा घर तैयार कर दें, जिससे देखो जब अच्छा घर बनेगा तो क्लाइंट आपके बारे में बोलेगा, दो जगह बात करेगा क्या भाई मैं आगे इतने भाई बहुत अच्छा नक्शा बनाया, घर का नक्शा बनाया अच्छा। तो वैसे ही है, तो हमारी जो मार्केट है वो ऐसे ही बनती है, अच्छा काम करने से बनती है, चाहे काम कोई भी होता है ठीक है। तो अच्छा काम करिए, अपना फोकस 100% डालिए अपने काम में, वो काम अच्छा होना ही होना है। शायद तभी मैं आपके लिए देखो व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे व्लॉगिंग किए, क्योंकि प्रॉपरली वक्त नहीं निकाल पा रहा हूँ मैं अपनी व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि वही बात नहीं यार क्यों टाइम मिलता ही नहीं है उस चीज़ में। तो अभी है ना थोड़ा सा टाइम मिलेंगे, और अभी टाइम शेड्यूल बनाएंगे हम अपना, ताकि हम अपने व्लॉगिंग ऑनलाइन वर्क को भी आगे पहुँचाएँ, और आप सबका प्यार हमारे साथ बना रहे भगवान। तो प्लीज़ आप कोशिश करो यार हमें भी थोड़ा आगे पहुँचाओ। जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी हमारे शुभचिंतन हैं, तो हमें भी थोड़ा सा भाई आगे पहुंचा दो यार ऑनलाइन की दुनिया में। तो आने वाले टाइम में आइडिया तो बहुत है कुछ काम करने का, तो वो करेंगे ही, क्योंकि आज तक मैंने कभी हार नहीं मानी, मतलब जो भी मेरे दिल दिमाग में आया ना वो मैंने किया है, मैं मानता किसी की भी नहीं हूँ, जो मेरे दिल में आना चाहिए बस। और हाँ गाइस एक बात और, जैसे कि ना मैं अपने मतलब
अपने वीडियो के माध्यम से आप सब तक मतलब एक मैसेज देना चाहूँगा। मैसेज क्या है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं यार ऑफिस नीचे का हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाला एरिया हो वहाँ पे हो। मैं नहीं मानता ऐसा यार। देखो यार, हाँ ठीक है, मतलब देखो अलग अलग तरीके की मार्केट होती है, ठीक है। अगर आप मार्केट में सबसे अच्छे हैं और अलग मतलब आपके जो वर्क मतलब जो वर्क की क्वालिटी है, जो वर्क की इमेजिनेशन है आपकी, अगर वो आपकी अच्छी है, बिजनेस करने का तरीका आपका डिफरेंट है, तो मैं कहूँगा आप कहीं भी बैठ जाइए। ऊपर बैठो, जंगल में बैठो, कहीं भी बैठो आप, तो वहाँ तक भी आपका क्लाइंट आ जाएगा। बस आप सही तरीके से सही बिजनेस और आप पूरी लगन से कीजिए। जो भी आप बिजनेस कर रहे हो ना अभी, आप वो पूरी लगन से करो, आप पूरी लगन से। मैं कहूँगा आप कहीं भी बैठ जाओ भाई, कहीं भी, वहाँ तक डेस्टिनी आपके क्लाइंट को लेके आएगी। मैं तो यही मानता हूँ, जिस पल आप है ना अपने काम पे 100% देते हो ना, उसी वक्त डेस्टिनी आपके वर्क में जुड़ जाती है। हाफ 50% मेहनत तो आप करते हो, 50% आपकी डेस्टिनी करेगी। मेरा मानना ये है कि बस अपना जो भी अपना 100% दो अपने काम को, ताकि डेस्टिनी है आपको। वो कहते हैं ना, आप बेवकूफ़ लोगों को बना सकते हो, खुद को थोड़ा बना सकते हैं बेवकूफ़ यार। खुद को आप कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आप कितने मेहनती हैं कितने नहीं हैं वो आप खुद को पता है, ठीक है जी। कितने आप काम चोर हैं, जो भी काम है ना, जो भी मतलब किसी दूसरे को मत बताओ तुम क्या हो क्या नहीं हो, खुद को तो पता है ना तुम क्या हो क्या नहीं हो। मेहनत कितनी दिल से कर रहे हो कितनी दिल से नहीं कर रहे हो वो आप सबको पता है। तो उसी के अकॉर्डिंग डेस्टिनी आपको रिजल्ट भी देती है। और जितने भी देखो हम भगवान को आप अल्लाह बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, पर सभी को हम भगवान एक ही हैं। और मैं मानता हूँ नेचर, जो नेचर की पावर है ना, बस हमने फेस बना दिया उसका अलग अलग तरीका, ठीक है। पर लेकिन ये हम पुकार एक ही को रहे हैं, सब सब के सब बंदे हम एक ही शक्ति को पुकार रहे हैं, चाहे वो किसी के भी नाम में हो, बस पावर्स हम एक ही को बुला रहे हैं। तो वो पावर्स अपना कमाल दिखाती दिखाती है, ठीक है। तो मेरा मानना यही है कि किसी का भी नाम लो, दिल से लो, बस जो भी पूजा करनी है दिल से करो, जो भी करना है मतलब आपको लगे कि हाँ मेरे दिल और दिमाग से आवाज़ आ रही है तब करें हम, तो वो चमत्कार जरूर दिखाएगी। क्योंकि यही नेचर है और नेचर की पावर भी यही है। नेचर यही बोलती है कि आप अपने रास्ते पे चलना स्टार्ट करो, मैं पीछे खड़ी हूँ, टेंशन मत लो। तो बस तुम्हें क्या कि आपने प्रॉपरली ढंग से आप अपने अपने लक्ष्य पे अपना ध्यान रखिए, जो आपको करना है आप करते जाइए, आने वाले टाइम में आप सक्सेस जरूर होंगे। तो गाइस अभी रात के बजे 1 और मैं हूँ अभी हॉस्पिटल में। गाइस हमारे दोस्त हरीश हैं, जो जिनकी गुड़िया रानी बीमार हो गया बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो अभी हम वहाँ पे हैं रोहतक में। तो मेरे साथ हैं साथ में तनु जी भी आए हैं और पिंकी जी, जो पिंकी जी की सगी बहन है ना, मतलब उनकी लड़की बीमार है काफ़ी तरह। अभी वेंटिलेटर पे उनको रखा गया है और हम बस भगवान से यही कामना करते हैं कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। मिलते हैं आप कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।